हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग देखकर बौखला गया पाकिस्तान। पीओके में बुला ली आतंकवादियों की बड़ी मीटिंग। इस बार इरादा और भी है खतरनाक। बताएंगे दोस्तों मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं और आतंकवादियों को किसने बुलाया। वहीं अपना भारत पहली बार एशिया में बना तीसरा सुपर पावर कंट्री प्रभावशाली देशों की लिस्ट में। जापान और रूस को भी छोड़ दिया पीछे। दोस्तों बताएंगे पाकिस्तान हुआ बेहाल। तो वहीं मोहम्मद यूनुस, शर्म करो मोहम्मद यूनुस। अमेरिका में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। जी हाँ, तो वहीं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों भारत के दबाव के बाद पहली बार यूएनएससी में शामिल हुआ सुधारों का विस्तृत ग्राफ। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। बताएंगे आखिर नितिन गडकरी जी ने ऐसा क्यों कहा कि चौथी बार हमारी सरकार बनेगी, इसकी गारंटी नहीं। बताएंगे क्यों कहा इन्होंने ऐसा। दोस्तों बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और खबरों बढ़ने से पहले भारत को विकसित बनते हुए देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू और कश्मीर में बम्पर वोटिंग देख बौखला उठा पाकिस्तान। पीओके में बुलाई आतंकवादियों की मीटिंग। इस बार इरादा और भी खतरनाक। दोस्तों जम्मू कश्मीर में पहले चरण के दौरान बड़े पैमाने पर हुई वोटिंग को देखते हुए पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। अब उसे लगने लगा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जम्मू कश्मीर को लेकर उसका किसी भी तरीके से साथ नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने जनतंत्र के इस पर्व में भाग लिया है उसको देखते हुए साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग वहां हो रहे विकास को देखकर बेहद खुश हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी इस दौरान आतंकवादी संगठनों पर लगातार नजरें रखे हुए हैं। इसी दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर में हुए इस बड़े और भारी मतदान को देखते हुए तत्काल आतंकवादी संगठनों जैसे मोहम्मद तहरीक उल मुजाहिदीन अल बदर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों के कमांडरों की एक बैठक बुलाई गई है। आतंकवादी संगठनों के कमांडरों को आईएसआई के कर्नल जुनैद ने इस बैठक में निर्देश जारी किए। इनमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो सारे काम छोड़कर अपना पूरा ध्यान जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव पर केंद्रित करें और वहां पर बड़ी आतंकवादी वारदातें करें। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक इस बैठक के दौरान आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा बताया गया है कि वो अपने संगठन में नई भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, जिससे इन चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजने के किसी काम में कोई बाधा ना आ सके। आतंकवादी संगठन ये काम ऑनलाइन तरीके से भी कर रहे हैं, भारतीय युवाओं को गुमराह करके उनको गलत कामों के लिए उकसाया जा रहा है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के आने के बाद सेना ने चौकसी बढ़ा दिया। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अनेक संदेहास्पद स्थानों की निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही विशेष तौर पर जमीन के रास्ते सीमा से आने वाले आतंकवादियों की निगरानी का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान को हर तरीके से है नकारा तो अब पाकिस्तान आतंक का ले रहा है सहारा। जी हाँ, वही बता दें इंडिया पहली बार एशिया में बना तीसरा सुपर पावर देश प्रभावशाली देशों की लिस्ट में। जापान, रशिया पिछड़े पाकिस्तान भी हुआ बेहाल। दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स 2024 में खुलासा हुआ है कि भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और अब दुनिया सिर्फ अमेरिका और एशिया में चीन से पीछे है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस वार्षिक रिपोर्ट में इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और अन्य क्षमताओं को आधार बनाकर एशिया के 27 देशों का मूल्यांकन किया गया है। इस रिपोर्ट से ये बातें पता चलती हैं कि पिछले 6 वर्षों में एशिया में शक्ति संतुलन कैसे विकसित हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, जिसमें रूस और जापान जैसे शक्तिशाली देशों से आगे निकलकर अपना भारत के विकास को दिखाया गया है, भारत के डेवलपमेंट को दिखाया गया है। लोवी इंस्टीट्यूट के विश्लेषण के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में प्रभाव रखने के मामले में इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद है। भले ही उसे चीन से कड़ी सैन्य प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हो, चीन की शक्ति हालांकि काफी बड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी शक्ति अस्थिर हो गई है, क्योंकि अब उसकी आर्थिक वृद्धि उतनी तेज नहीं रही जितनी कि कुछ विश्लेषकों ने अनुमान लगाया था। इसके कारण चीन ने रैंकिंग में दूसरी स्थान हासिल किया, जो उसके क्षेत्रीय प्रभुत्व में नाटकीय वृद्धि या गिरावट के बजाय उसकी स्थिरता के चरण को दर्शाता है। दोस्तों वाकई में हमें पता है, इस खबर को सुनने के बाद हर भारतीय का दिल गर्व से चौड़ा हो गया होगा, हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। ऐसे में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा और इसका सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। वहीं बता दें अमेरिका में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, लोगों ने जमकर की नारेबाजी, कहा मोहम्मद यूनुस शर्म करो। जी हाँ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अमेरिका में बांग्लादेशी मूल के लोगों के विरोध का सामना झेलना पड़ा है। 79वें यानी कि 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका गए यूनुस न्यूयॉर्क के होटल में ठहरे हुए हैं। यूनुस के वहां होने की जानकारी मिलने पर
प्रदर्शनकारी होटल के बाहर जमा हो गए और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले और शेख हसीना को हटाए जाने के तौर तरीकों को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। दोस्तों न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस के होटल के बाहर जमा लोगों ने यूनुस वापस जाओ, यूनुस सत्ता छोड़ो, यूनुस शर्म करो और हिंदुओं पर हमले बंद करो यूनुस जैसे नारे लगाए। जी हां, होटल के बाहर नारेबाजी कर रहे एक प्रदर्शनकारी शेख जमाल हुसैन ने ENI से कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली यानी असंवैधानिक और तरीकों और अवैध तरीके से सत्ता हासिल हथिया ली है। उन्होंने गंदी राजनीति से सत्ता हासिल की है। इसका नतीजा ये हुआ है कि हिंसा में बहुत से लोग मारे गए और देश की छवि को धक्का लगा है। जी हां, यूनुस का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यूनुस कैसे देश की सत्ता संभाल सकते हैं जबकि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद छोड़ी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तक निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा नहीं दिया है, उन पर दबाव बनाकर गलत तरीके से देश के बाहर जाने पर मजबूर किया गया। ऐसे में यूनुस की सरकार वैलिड नहीं है, वैध नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से भी इस मामले में दखल की गुजारिश की है। जी हां दोस्तों, क्या इनका कहना सही है? आप क्या कहेंगे दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दोस्तों भारत के दबाव के बाद पहली बार UNSC में शामिल हुआ सुधारों का विस्तृत पैराग्राफ। जी हां, कौन कहता है कि एक अकेला पूरी दुनिया नहीं झुका सकता, ये संभव है, मगर इसके लिए हौसले बुलंद और इरादे नेक होने चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत की साख जिस तरह से विश्व के मानस पटल पर बढ़ी है उसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान एक संबोधन में कहा था कि ये आज का भारत है और जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। पीएम मोदी की ये बात एक बार फिर सत्य साबित हुई है। अब भारत बोल रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बोले तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC सुन रही है। भारत के बार बार आवाज उठाने के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहली बार दबाव में आया, उसने अपने आप पर प्रेशर महसूस किया। नतीजन पहली बार UNSC में सुधारों की पहल लिखित रूप से शुरू हो गई है। UNSC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता समेत अन्य सुधारों को लेकर पहली बार एक विस्तृत पैराग्राफ शामिल किया है। भारत ने UNSC की इस पहल की सराहना की है। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दस्तावेज में सुरक्षा परिषद में सुधार पर पहली बार एक विस्तृत पैराग्राफ शामिल किया जाना एक अच्छी शुरुआत है और नई दिल्ली 15 देशों के निकायों में सुधार के लिए एक निश्चित समय में सीमा में पाठ आधारित वार्ता की शुरुआत की आशा करती है। वाकई में भारत ने UNSC को भी अपनी ताकत से अपने नेक इरादों से झुका ही दिया। वहीं बता दें, रूस जापान के बीच आसमान में तनातनी, जापानी जेट ने पहली बार उगली आग, पुतिन को कर दिया सावधान। दोस्तों रशिया यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूसी फाइटर जेट ने 3 बार जापान में घुसपैठ करने की कोशिश की। जापान ने आरोप लगाया है कि सोमवार को 1 से 3 बजे के बीच रूसी जेट ने 3 बार उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। जापान का आरोप है कि रूसी जेट होक्काइडो के मुख्य द्वीप पर घुसपैठ की कोशिश की है। इस दौरान जापानी जेट ने रूसी विमान को सावधान किया है। इसके साथ ही पहली बार फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में जापानी रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया गया है कि रूसी IL-38 सैन्य गश्ती विमान ने सोमवार को होक्काइडो के पास 3 बार जापानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इस पर जापान ने रूसी विमानों को रेडियो संदेशों के माध्यम से सावधान किया। 3री बार जापानी हवाई क्षेत्र में रूसी विमान के आने पर जापानी एयरक्राफ्ट ने फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया। जापान सरकार के प्रवक्ता योशिमासा हायाशी ने कहा है कि हवाई घुसपैठिए के खिलाफ फ्लेयर्स का ये पहला प्रयोग था। जी हां दोस्तों, बता दें पुतिन को धोखा देंगे, तुर्की के खलीफा एर्दोगन F-35 जेट के बदले अमेरिका को दे सकते हैं S-400 मिसाइल, डील पर बातचीत हुई तेज। जी हां, अमेरिका और तुर्की के बीच कथित रूप से F-35 फाइटर जेट को लेकर बातचीत काफी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तुर्की को ऑफर दिया है कि वो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसे दे दे और बदले में F-35 जेट ले ले। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इन तुर्की के खरीदे गए S-400 सिस्टम का कंट्रोल चाहता है। तुर्की के रशिया से S-400 सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका ने F-35 जेट देने से इनकार कर दिया था। ये F-35 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का है और रूसी ब्रह्मास्त्र S-400 का विरोधी माना जाता है। S-400 सिस्टम को तुर्की के अलावा भारत और चीन भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं बता दें, चीन पर बरसा अमेरिका, कहा सीमा विवाद पर हमेशा भारत के साथ हूँ, क्वाड के सहारे सबक सिखाने की तैयारी। जी हाँ, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारत को मित्र और अहम साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि सीमा संघर्ष के दौरान अमेरिका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। दोनों ही देश सीमाओं और संप्रभुता व कानून के शासन के सिद्धांत को मानते हैं। गार्सेटी ने कहा कि अमेरिका का यह सुनिश्चित करने का लंबा इतिहास रहा है कि दुनिया में कहीं भी आक्रामकता
को बढ़ावा नहीं दिया जाए। अमेरिका हमेशा चीन के साथ भारत की कूटनीतिक बातचीत का समर्थन करता है। वहीं बता दे बड़ी खबर, चीन की कमर तोड़कर ही मानेगा लगता है अमेरिका, अब कारों में चाइनीज सॉफ्टवेयर पर लगा दिया बैन, फैसले से बौखला गया ड्रैगन। दोस्तों अमेरिका और चीन के तल्ख रिश्ते कैसे हैं सबको पता है, किसी से छिपे नहीं है। यूएस में हुए क्वाड सम्मेलन को लेकर चीन पहले से ही चिढ़ा हुआ है। अब अमेरिकी सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बाद ड्रैगन का बौखलाना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने बड़ा फैसला किया है। अमेरिका अपने यहां वाहनों में चीनी सॉफ्टवेयर पर रोक लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से लेस कनेक्टेड गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना ली है। अमेरिका के इस फैसले के चलते चीनी कारों का अमेरिकी बाजार में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा, जिसका असर सीधा चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं बता दें भारत के इस कदम से तिलमिला जाएंगी म्यांमार की आर्मी, डेमोक्रेसी करनी ही होगी बहाल, भारत ने किए एक तीर से दो शिकार। जी हां, साल 2021 में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में वहां की जुंटा आर्मी ने आंग सान सू की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया था। 3 साल पहले देश में आर्मी राज की शुरुआत के साथ ही वहां गृह युद्ध की स्थिति भी पैदा हो गई है। अब भी वहां एक बड़े हिस्सा पर अलग अलग विद्रोही गुंटों का कब्जा है। मिलिट्री लीडरशिप चाहकर भी इन हिस्सों तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रही है। भले ही म्यांमार के मिलिट्री शासन को पश्चिमी देशों ने मान्यता ना दी हो, लेकिन भारत ने कभी अपने इस पड़ोसी देश से बातचीत बंद नहीं की थी। वजह उसके चीन के करीब जाने का डर था। अब भारत सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसके बाद ना सिर्फ म्यांमार के मिलिट्री लीडरशिप को बड़ा झटका लगेगा बल्कि हम एक तीर से 3 निशाने लगा पाएंगे। दोस्तों न्यूज एजेंसी राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत ने म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना के राजनीतिक और सैन्य विरोधी गुंटों को नई दिल्ली में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर दिया है। भारत सरकार के फंड से चलने वाली थिंक टैंक संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ICWA नवंबर के मध्य में यह सेमिनार आयोजित करने जा रही है। एक सशस्त्र समूह के नेता और मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने एजेंसी को बताया है कि नेशनल यूनाइटेड गवर्नमेंट और भारत की सीमा से लगे चीन, रखाइन और काचीन राज्यों के जातीय अल्पसंख्यक विद्रोहियों को सेमिनार में अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट में बागी गुटों की तरफ से भी सेमिनार में अपना प्रतिनिधि भेजने की बात कही गई है। निरंतर भारत दोस्तों अपना हर एक भारतीय को सुरक्षित रखने के लिए कार्य में निरंतर लगा रहता है। इस पर आपकी राय तो बनती है। वहीं बता दें क्या थम जाएगा रूस यूक्रेन का युद्ध, डोभाल ने पुतिन तक पहुंचाया था संदेश। अब जेलेंस्की से न्यूयॉर्क में मिले प्रधानमंत्री मोदी, दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध जल्द खत्म हो जाए इस बात की उम्मीद सभी को है। पीएम मोदी भी इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले। दोनों देशों के टॉप लीडर्स के बीच युद्ध को खत्म करने की कोशिशों को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के अमेरिकी दौरे के अंतिम दिन सोमवार को न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जल्द ही यूक्रेन रशिया युद्ध थमने की खुशखबरी दुनिया को मिले। पिछले महीने यूक्रेन का दौरा करने के बाद यह दूसरा मौका है जब भारतीय पीएम और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच यह मुलाकात हुई। पिछले 4 महीनों में दोनों नेता तीसरी बार मिले हैं। यूं तो संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की से हुई यह मुलाकात पहले से तय नहीं थी, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से की गई रिक्वेस्ट को पीएम मोदी मना नहीं कर सके। तो वहीं बता दे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में बोला ईरान, इस देश को भेजे 15,000 SMS कहा मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सिर्फ बुलडोजर ही नहीं बल्कि उनका डायलॉग भी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अक्सर कई बार आपने मिट्टी में मिला देंगे बोलते हुए सुना होगा। अब ईरान ने इसी डायलॉग को कॉपी कर लिया है। ईरान ने स्वीडन के सैकड़ों लोगों के मोबाइल पर 15,000 से अधिक धमकी भरे संदेश यानी SMS भेजे हैं। ईरान ने स्वीडन को भेजे संदेश में कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है जिसमें ईरान ने सीएम योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में स्वीडन को इतनी बड़ी चेतावनी दे डाली है। तो आपको बता दे दोस्तों, दरअसल स्वीडन ने दावा किया है कि उसके नागरिकों को 2023 में कुरान जलाने की घटना का बदला लेने की धमकी देने वाले 1,000 SMS भेजे जाने के पीछे ईरान का हाथ है। स्वीडन के अधिकारियों का दावा है कि ईरान का अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड डेटा में सेंधमारी करके सार्वजनिक रूप से कुरान जलाने के सिलसिले में स्वीडिश भाषा में लगभग 15,000 SMS भेजा था। वरिष्ठ अभियोजक मैट लजंग क्विस्ट ने बताया कि स्वीडन की घरेलू सुरक्षा एजेंसी SAPO द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ईरान ने ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जरिए स्वीडन में प्रमुख SMS सेवा प्रदाता स्वीडिश कंपनी के डेटा में सेंधमारी की। ऐसे में उसी मैसेज के जरिए ये बात लिखी गई कि मिट्टी में मिला देंगे। वहीं बता दें भारत से तकरार, चीन संघयारी अनुराग कुमार दिशा नायके का श्रीलंका राष्ट्रपति बनना दिल्ली के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय। बता दें अनुराग कुमार दिशा नायके ने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। अनुरा ने 21 सितंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी साजिथ प्रेमदासा को करीब 13 लाख वोटों से हराने के बाद सोमवार को शपथ ली।
है। 55 वर्षीय वामपंथी नेता अनुराग जनता विमुक्ति पैरामूना यानी JVP के प्रमुख है। उनकी पार्टी को भारत के विरोध और चीन प्रति हमदर्दी के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में अनुराग के हाथ में श्रीलंका की सत्ता के आने को भारतीय हितों के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। अनुराग ने भारत से दोस्ती के संकेत दिए हैं, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि उनके राष्ट्रपति बनने का नई दिल्ली के लिए क्या मतलब होगा दोस्तों, क्योंकि उनकी चीन के साथ करीबी किसी से भी छिपी हुई नहीं है और बीजिंग की श्रीलंका में उपस्थिति बढ़ाने की कोशिशें भी जग जाहिर है दोस्तों। इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। थोड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते अगली खबर में, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर यानी एक्स पर। मिलते अगली खबर में, जय हिंद जय भारत।